एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट मिलने के लिए साथी पहलवानों के विरोध का सामना कर रहे आंदोलनकारी पहलवानों ने आईओए के तदर्थ पैनल से इस तरह की छूट मांग करने से इनकार किया और कहा कि अगर यह साबित हो गया तो वे कुश्ती छोड़ देंगे। लंदन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने तदर्थ पैनल के फैसले पर सवाल उठाए थे कि क्या ये पहलवान इस तरह की छूट हासिल करने के लिए ही विरोध कर रहे थे। उन्होंने जूनियर पहलवानों, उनके कोचों और अभिभावकों से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर आपको एक मुकाबले के ट्रायल से परेशानी थी तो आपको खेल मंत्री के पास जाना चाहिए था, लेकिन आपने सोशल मीडिया के जरिए जहर फैलाने का काम किया। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि हमने छूट मांगी थी तो हम कुश्ती छोड़ने को तैयार हैं, हमने छूट के लिए कभी कोई पत्र नहीं लिखा है। हालांकि तीनों पहलवानों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे पूर्ण ड्रॉ में खेलने के इच्छुक हैं और वे फाइनल में सीधे प्रवेश स्वीकार नहीं करेंगे। पता चला है कि तदर्थ पैनल में शामिल किए गए दो कोच ज्ञान सिंह और अशोक गर्ग ने ही छह पहलवानों के लिए ट्रायल से छूट मांगी थी। साक्षी ने योगेश्वर दत्त से गलत संदेश फैलाने से बचने के लिए कहा कि छह पहलवान सिर्फ जीतना चाहते थे और वे एक ट्रायल में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में हम कभी भी किसी भी ट्रायल्स के नहीं रहे और कभी भी किसी जूनियर को वंचित नहीं किया। इस टिकड़ी के अलावा बजरंग की पत्नी संगीता फोगाट, साक्षी के पति सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा को छूट दी गई है। मनीष फोगाट ने रविवार को सोशल मीडिया पर यह साबित करने के लिए बिना तारीख वाला एक पत्र साझा किया कि प्रदर्शन कर रहे छह पहलवानों ने एशियाई खेलों के ट्रायल्स में छूट देने की मांग नहीं की थी और केवल उन्होंने तैयारी के लिए अगस्त तक समय मांगा था। मनीष ने इस पत्र की फोटो साझा की जिससे उनके सहित छह पहलवानों का जिक्र है। उन्होंने ट्रायल से पहले ट्रेनिंग के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा था। आईओए के तदर्थ पैनल ने प्रदर्शनकारी इन छह पहलवानों को छूट देते हुए केवल एक मुकाबले का ट्रायल कराने का फैसला किया था, लेकिन कई स्थापित और उभरते हुए पहलवानों ने इसकी आलोचना करते हुए प्रत्येक के लिए निष्पक्ष ट्रायल की मांग की थी। मनीष ने हालांकि यह नहीं कहा कि वे पूरे ट्रायल्स में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं, जैसे कि सभी अन्य पहलवान ले रहे हैं। पत्र के साथ ही विनेश ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, हम आंदोलित पहलवानों ने ट्रायल्स को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि पिछले छह महीने से आंदोलन में शामिल होने के कारण हम अभ्यास नहीं कर पाए। उन्होंने साथ ही लिखा, हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं, इसलिए यह चिट्ठी आपसे साझा कर रहे हैं। दुश्मन पहलवानों की एकता में सेंध लगाना चाहता है, हम उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकते। पता चला है कि आईओए के तदर्थ पैनल में शामिल किए गए कोच ज्ञान सिंह और अशोक गर्ग ने इन छह पहलवानों के लिए छूट मांगी थी। भारतीय ओलंपिक संघ को एशियाई ओलंपिक परिषद को 15 जुलाई तक सभी भारतीय टीमों के नाम की प्रविष्टियां देनी थी। पहलवानों के 10 अगस्त तक ट्रायल्स के अनुरोध को मानने के लिए आईओए ने इस अंतिम तारीख को बढ़ाने के लिए ओसीए से संपर्क किया, हालांकि अभी तक ओसीए ने उनके इस विरोध का जवाब नहीं दिया है।